आजमगढ़ के लालगंज में अखिल भारतीय एससी एसटी सेमिनार का आयोजन प्रांतीय संगोष्ठी सेमिनार 8 जनवरी 2022 को मात्र छाया मैरिज हॉल में किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विजय शंकर ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर IRS राष्ट्रीय महासचिव और विशिष्ट अतिथि प्रमोद कुमार बौद्ध, शिव मुहूर्त बौद्ध, वीरेंद्र कुमार बौद्ध रहे। मित्र मुसाफिर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारा संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा और हमारा आरक्षण कैसे सुरक्षित रहेगा, इस विषय पर सेमिनार आयोजित है। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर तेज प्रकाश, प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, दया शंकर रहे। इस मौके पर सत्य प्रकाश, डॉक्टर गीता, कल्पना राव प्रधान, रुद्र प्रताप बौद्ध, अशोक राम बच्चन प्रधान, नारायण भारती, संजय बौद्ध, विजय कुमार, संकटा प्रसाद, विवेक सोनकर, डॉक्टर मनोज अरुण कुमार आदि मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर। शेखर चौहान के साथ सतीश चौहान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए आज जो लालगंज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन शाखा लालगंज जिला आजमगढ़ के द्वारा ये जो सेमिनार का आयोजन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रतिनिधित्व, आरक्षण, उसका संरक्षण हमारा दायित्व और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए संविधान संरक्षण में हम लोगों की भूमिका क्या होगी, इसी विषय पर यह सेमिनार आयोजित है। और इस सेमिनार में ये बात जो रखी जा रही है कि हमारा संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा आरक्षण कैसे सुरक्षित रहेगा, इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि आपको ये विधायिका से संचालित होता है, विधायिका ही कानून बनाती है, विधायिका ही इसको संरक्षित करेगी। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने वन मैन वन वोट वन वैल्यू का मार्गदर्शन दिया और वो अधिकार दिया। तो ये जो बहुजन समाज है, इसका जो अधिकार है, एससी को, एसटी को, जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, और अब तो गरीब जो सामान्य कैटेगरी उन्हें भी 10% का मिलता है, जो समाज की मुख्य धारा में आ सकें, जो जिनके साथ विषमता सामाजिक हुई है उसको दूर करने के लिए इस प्रतिनिधित्व का, इस आरक्षण का जो व्यवस्था किया गया, इसको विधायिका के ही माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है।